आज मैं आपको गिलोय का काढ़ा बनाने की विधि बताने जा रहा हूँ। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में तरह तरह की बीमारियाँ हम लोगों के बीच में आती रहती है। आपने डेंगू का नाम सुना होगा, कालाजार का नाम सुना होगा, बुखार रहती है हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा होता है और शरीर इस बार की गर्मी मानव के लिए सचमुच एक त्रासदी से कम नहीं थी। तो इन बरसात के मौसम में बरसात की बीमारियों से बचने के लिए और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रहने के लिए रखने के लिए आप गिलोय का काढ़ा बनाएं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये गिलोय की डंटी है। ये गिलोय की डंटी मैंने तोड़ के ले आई है अपने बगीचे से और इसे काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर कर इसे मैं इसमें डाला हूँ। साथ में इसमें एक चम्मच अजवाइन डाला हूँ, तो काली मिर्च आप देख रहे हैं, गोल मिर्च जिसे कहते हैं, काली मिर्च इसमें डाला हूँ। साथ ही इसमें मैं अदरक थोड़ा सा डाला हूँ और अजवाइन भी डाला हूँ। तो इन चीज़ों को सबको एक साथ डालकर, जैसे यदि चार आदमी है तो 2 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है, अपने परिवार के हिसाब से आप डालें। और जब पानी आधा रह जाए, आधा से कम मतलब कम से कम 15 मिनट खौलने के बाद आप इसे नीचे उतारें और जब यह ठंडा हो जाए तो इसे छान कर अपने बच्चों को पिलाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों में कि इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा और किसी भी प्रकार की, आप इन दिनों देखे होंगे बहुत सारे आदमी को झुरपित्ती निकलना शुरू हो जाता है, झुरपित्ती जो शरीर में छोटे छोटे चकत्ता होना शुरू हो जाता है, इसके लिए भी ये रामबाण से कम नहीं है। तो आप अपने घर में ज़रूर बनाएं और बच्चों को पिलाएं और सेहत का ध्यान रखते हुए सभी को पिला के उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएँ, जिसके कि बरसाती मौसम की होने वाली बीमारियों से अपने परिवार की सुरक्षा करें। तो मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए सुझाव है कि बहुत आसान, यदि कोई बीमारी हो जाती है तो न केवल परेशानी ही केवल पैसा खर्च होने की बात नहीं है, शरीर की परेशानी को हम किसी पैसे से भी दूर नहीं कर सकते। इसलिए आप इसे बनाकर अपने भी पिए, अपने बच्चों को पिलाएं और जो लोग इससे प्रभावित हैं यदि आपका जानकारी में है तो उन्हें भी शेयर करें, वो भी अपनी परिवार की सुरक्षा बनाएं, अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, यही मेरी आशा है। और यदि वीडियो को लाइक जरूर करें, काफ़ी मेहनत से मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। और साथ ही यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपकी सहयोग मेरे लिए काफ़ी आवश्यक है, आप सहयोग ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।